नमस्कार, मैं हूँ ट्विंकल और आप देख रहे हैं नेशन भारत। अगर आप भी LIC की जीवन बीमा पॉलिसी को खरीदने का सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि ये खबर आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। जी हाँ, आपको बता दें कि देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC जो है करीब अपने 23 पॉलिसीज जो है वो बंद करने जा रही है। इसके साथ ही आपको ये बताना चाहेंगे कि LIC जो है अपने इन पॉलिसीज को 1 फरवरी को नए जरिए और नए सिरे से लॉन्च करेगी। तो आइए आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि LIC जो है आखिरकार कौन सी 23 पॉलिसीज जो है उन्हें बंद करने जा रही है। खबरों के मुताबिक इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए इन पॉलिसी को 1 फरवरी को नए सिरे से लॉन्च किया जाएगा। LIC जिन पॉलिसी को बंद कर रही है उनमें LIC न्यू जीवन आनंद, जीवन उमंग, जीवन लक्ष्य जैसे पॉपुलर प्लान भी शामिल है। LIC के प्लान बंद होने से नई पॉलिसी पर न सिर्फ रिटर्न कम मिलने का अनुमान है, इसके अलावा हो सकता है कि नई पॉलिसी का प्रीमियम भी बढ़ जाए। इस वजह से LIC एजेंट्स ग्राहकों को 31 जनवरी से पहले इन पॉलिसी में निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। आपको बता दें कि रेगुलेटरी बॉडी बीमा प्रोडक्ट्स को ग्राहकों के लिए ज्यादा फायदेमंद बनाना चाहती है। इसके साथ ही ये भी कोशिश है कि ग्राहकों को गलत ढंग से लुभाकर पॉलिसी बेचने के तौर तरीकों पर लगाम लगाई जाए। LIC जिन योजनाओं को बंद कर रही है उनमें नॉन लिंक्ड इंडिविजुअल इंश्योरेंस प्लान, यूनिट लिंक्ड इंडिविजुअल इंश्योरेंस प्लान, 1 राइडर प्लान और 3 नॉन लिंक्ड ग्रुप इंश्योरेंस प्लान शामिल है। इसके अलावा जो नॉन लिंक्ड इंडेबिटेडेंस इंश्योरेंस प्लान को बंद किया जा रहा है उनमें सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान, न्यू एंडोमेंट प्लान, न्यू मनी बैक 20 इयर्स प्लान, न्यू जीवन आनंद प्लान, अनमोल जीवन 2 प्लान, लिमिटेड प्रीमियम एंडोमेंट प्लान, न्यू चिल्ड्रंस मनी बैक प्लान, जीवन लक्ष्य प्लान, जीवन तरुण प्लान, जीवन लाभ, न्यू जीवन मंगल, भाग्य लक्ष्मी प्लान, आधार पिलर, आधारशिला, जीवन उमंग, जीवन शिरोमणि, बीमा श्री और LIC माइक्रो बचत जैसे प्लान शामिल है। LIC ने अपने यूनिट लिंक्ड प्लान न्यू एंडोमेंट प्लस को भी बंद करने का फैसला किया है। वहीं LIC प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर को भी खत्म किया जाएगा। इससे पहले इंश्योरेंस रेगुलेटरी ने LIC को 30 नवंबर तक इन पॉलिसी को बंद करने को कहा था। अन्य इंश्योरेंस ने ईडा को 30 नवंबर की डेडलाइन को बढ़ाने की अपील की थी। ईडा ने अब 31 जनवरी तक ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट बंद करने को कहा है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल निशन भारत को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल निशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।